पहाड़ों की गोद में ये नए कश्मीर की अंगड़ाई है। हरी भरी वादियों में उत्सव का रंग जमा है और देश की सांस्कृतिक की झलक फिजाओं तक नजर आ रही है। सीना ने घाटी के सबसे खूबसूरत इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक खास आयोजन किया है। यहाँ कश्मीर की सांस्कृतिक झलक तो है ही, साथ ही पंजाब की परंपरा का रंग भी नजर आ रहा है। कश्मीर के बड़गाम का इलाका पर्यटन की संभावना से भरा है। सेना की कोशिश है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएं और कश्मीर का बड़गाम विश्व के पर्यटन मानचित्र पर उभर कर सामने आए। इसके लिए हमारी सेना जी जान से जुटी है। ये महोत्सव इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। पिछले साल यही प्रोग्राम हमने युस्मग में करा था और दूधापथरी रह गया था। इस बार हमने कोशिश करी कि इस बार दूधापथरी में करें, ताकि यहाँ पे इसकी जो एक वैल्यू है, इसकी जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए काम व्यवसाय के लिए थोड़ा सा एक डायवर्जन भी हो, लोग यहाँ भी आए। सेना की कोशिशों से यहाँ की तस्वीर पहले से काफी बदल चुकी है। यहाँ के लोगों में अब एक उम्मीद जगी है। उन्हें लगता है कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन और पर्यटन की संभावना से उनकी जिंदगी की सूरत जरूर बदलेगी। अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है और कश्मीर अगले कुछ महीनों में त्योहारों में रमने वाला है। हाउस बोट उत्सव से लेकर गुलमर्ग को स्नो फेस्टिवल दस्तक देने वाला है। जाहिर है कश्मीर बाहें पसार कर मेहमानों का इंतजार कर रहा है और कश्मीर से आती तस्वीरें घाटी के उसी फेस्टिवल मूड की गवाही दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।